बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ कविता आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड दीडियो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैक का पोर प्राइमर लिया है और सी टी एम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपने मॉइस्चराइजर वगैरह सब पहले ही लगा लेना है टोनर वगैरह दैन Uh, जो भी आपका पोर्ट्स वाला एरिया होता है लाइक योर टी जोन एरिया सो आपको वहाँ पर अच्छे से प्राइमर को अप्लाई कर लेना है प्राइमर कितना लेना है आपको सिर्फ़ एक मटर का जो दाना होता है सिर्फ उतना ही आपको प्राइमर लेना है नीट लगती है तो आप और ले सकते हो देन यहाँ पर मैंने फोर एवर फिफ़्टी टू का फाउंडेशन यूज़ किया है प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा एच डी वाला फाउंडेशन सो so, इसका मैं वन पंप लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए था ऑलरेडी फोर एवर फिफ्टी के जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं सो so, यहाँ पर मेरे लिए वन पंप इनफ है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेयर अप नहीं करना था हेवी बेस नहीं चाहिए था मुझे सो so, यार डेट्स इट उसके बाद यहाँ मैंने फोर एंडल फिफ्टी टू का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है ये फोर ईयर्स से मैं इसी को कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ आई मीन चेंज करती हूँ जब ये फट जाता है बट ये वाला जो ब्यूटी ब्लेंडर है मुझे इतना पसंद है कि मुझे कोई और पसंद ही नहीं आता है इतना सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है बहुत ही ईजिली ईजी हो जाता है आपका वर्क और उसके बाद इस तरह से आपने टॉवल या फिर टिश्यू लेना है और उसको अच्छे से आपने स्क्वीज़ कर देना है जो भी एक्सेस था वो निकल जाएगा और आपको बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर एकदम सॉफ्ट मिल जाएगा सो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे फाउंडेशन को डैप डैप मोशन में ही अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है और हाँ अगर आप एच मेकअप चाहते हैं तो आप इस फाउंडेशन को अपने किट में ऐड कर सकते हैं दिस इज़ वेरी वेरी गुड फाउंडेशन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है बट uh, uh, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से सी कर ले और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर ले फेस पर आ, बाकी फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लूँगी फोर एवर फिफ्टी टू का कंसीलर आ, इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपका स्किन ड्राई है आ, तो आप इसको वन साइड अप्लाई करें देन उसको तुरंत ही ब्लेंड कर ले अगर आप उसको रख कर ब्लेंड करेंगे तो आपको ब्लेंडिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है और कवरेज इसका बहुत अच्छा है नो no डाउट और लॉन्ग लास्टिंग भी है बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि ब्लेंड बहुत बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको ब्लेंड करने में आपने जो भी आपके हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपने इस तरह से कंसीलर को अप्लाई कर लेना है और उसी पर्टिकुलर एरिए पर इसको ब्लेंड कर लूँगी मैं अच्छे से कंसीलर मैंने बहुत कम लगाया है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है मेरे स्किन टोन से और बट हाँ मुझे थोड़ा सा लाइट ही चाहिए था बिकॉज मुझे जो मेरे फीचर्स थे उनको इनहेंस करना था सो ब्राइटन अप दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें लाइट कंसीलर ही यूज़ किया है नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का किस एंड ब्यूटी ब्लश इन द शेड कोरल ब्लश आई थिंक इसका नाम कोरल है सो so, इसको मैं बैक ऑफ द हैंड पर लूँगी देन मैं ब्यूटी प्लेंडर की हेल्प से ही इसको लगाने वाली हूँ डायरेक्ट मैं चीक्स पर अप्लाई नहीं कर रही सो so, यहाँ पर मैंने बैक ऑफ द हैंड पर लिया है देन वही जो वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर था आ, उसी के हेल्प से मैं एप्पल ऑफ द चीक्स पर इसको अप्लाई कर लूँगी आप जब भी ब्लश लगाते हो हल्का सा स्माइल कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि आपको ब्लश कहाँ अप्लाई करना है आपको फेस क्रीम दिखाना है तो आप जो आपके एप्पल ऑफ द चीक्स होते हैं उससे थोड़ा ऊपर अप्लाई करें अदरवाइज uh, आपको ब्लश आगे से लगाना पसंद है तो इट्स टोटली अप टू यू देन मैंने यहाँ पर कर्फ एंड लैशेस का ब्राउन्ज़र लिया है और uh, फ़ेस को थोड़ा सा फ़ेस कट दूंगी मैं जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको कट कर कर रही हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउन्जिंग पाउडर यहाँ पे आप क्रीम काउंटरों का भी यूज़ कर सकते हो बट uh, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम पाउडर ब्राउन्जिंग करना ज़्यादा कन्वीनियंस लग कनवीनियंट लगता है सो तो मैं पाउडर वाला ही यूज़ करना पसंद करती हूँ इस तरह से आपको जो लाइन के पास भी कर लेना है नोज़ के साइड्स पे भी कर लेना है ताकि नोज़ थोड़ा सा शार्प लगे बहुत आ, स्लिम लगे आपकी जो नोज़ है अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आई को आपका आईब्रोज होता है ना जहाँ से आपकी आईब्रोज स्टार्ट होती है आपने वहाँ से लेकर आप का जो नोज एंड होता है वहाँ तक आपने लेकर आना है इस तरह से उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोर हेड के पास भी लगा लूँगी हाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपका कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लग जाता है लाइक like ब्लश हो गया या फिर क्रीम काउंटर पाउडर ब्राउन्ज़र पाउडर ब्लश तो आपने कुछ नहीं करना आपके पास जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर था वो लेना है और उससे टैपटाप कर लेना आपका एक्सेस निकल जाएगा उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्सन लैशेस का ही यहाँ पर ब्लश पैलेट लिया है उसी से ही ब्लश लगा रही हूँ क्रीम प्रोडक्ट को हमेशा आपको सेट करना पड़ता है सो नीचे हमने क्रीम ब्लश लगाया था उसके बाद हम पाउडर से उसको सेट कर लेंगे अच्छे से आ, यहाँ पर मैंने ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया है बिकॉज मुझे ब्लश ज़्यादा लगाना पसंद है और सी टाइप ब्लश लगाया है मैंने यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैंने डर्मा का क्राइलॉन डर्मा का फिक्सिंग पाउडर लिया है और उससे मैं फेस को सेट कर लूँगी फेस को सेट करने से पहले जो भी अंडर आईज के नीचे या फिर आईलिट्स पर क्रीज़ हो तो उसको ब्लेंड कर लेना उसके बाद उसको आप पाउडर से इस तरह से सेट कर लेना मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जब भी पाउडर से सेट से करते हो तो आप या तो स्पंज का यूज़ करें या फिर पाउडर पफ आता है उसका यूज़ करें क्योंकि उससे क्या होता है कि जो प्रेस करने की वजह से वो क्रीज में बहुत अच्छे से आ, फिल हो जाता है बहुत अच्छे से बेकिंग हो जाती है नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आई मैजिक का आई शेडो पैलेट लिया है और इसमें से ये जो ग्रे वाला शेड है इसको मैं अपने आईब्रोज़ में फिल करूँगी जो मेरी नेचुरल आईब्रोज है उसी को मैं फॉलो करूँगी बस मेरी जो थोड़ी साइड वाली जो आईब्रोज है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दिए है किसी ने सो so, उसको मैं ठीक कर लूँगी और कुछ नहीं बस आ, फिर मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का स्कल्प्ड एंड सेट ब्रो जेल आ, इन द शेड ग्रे आपके अगर ब्राउन हेयर है बहुत ज़्यादा लाइट हेयर है तो आप डार्क ब्राउन वाला यूज़ कर सकते हो मेरे ब्लैक हेयर है तो मैं ग्रे वाला यूज़ कर रही हूँ Uh, इसको आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर लूँगी देन मैंने यहाँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड मोल्टन गोल्ड हाईलाइटिंग पॉइंट्स पर इसको अप्लाई कर लेंगे लाइक बोन ऑफ द चेक्स पर नोज ऑफ द ब्रिज क्यूपिड बो चिन एरिया मैं यहाँ पर स्मॉल ब्लैंडिंग ब्रश का यूज़ करूँगी और नोज़ के ऊपर हाइलाइटर को अप्लाई करूँगी ताकि नोज़ पर एक अच्छी सी शाइन आ जाए एकदम अगर दूर से ही लाइट जब नोज़ के ऊपर पड़ेगी तो बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी और थोड़ा सा क्यूपिड पो पर और चिन पर फिर से अप्लाई कर रही हूँ नेक्स्ट मैंने यहाँ स्विस्ट ब्यूटी का आ, ये जो काजल और प्रो वाला जो आता है उसको मैंने लिया है यहाँ पर इसमें जेल लाइनर आता है वैसे तो इसको मैं लूँगी क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा से ना मेरे आईब्रोज को उड़ा दिया है तो उसी को मैं ठीक कर रही हूँ ग्रे से वो हो नहीं रहा था तो मैं यहाँ पर ब्लैक का यूज़ कर रही हूँ ताकि वो आ, उसको मैं काफ़ी हद तक छुपा पाऊँ और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर रही हूँ फिंगर से नेक्स्ट मैंने इसी ब्लैक आई शेडो को या फिर ब्राउ पाउडर कह सकते हो आप इसी को मैंने एज अ आई शेडो भी अप्लाई किया है तो मैं जो मेरा आई लेड एरिया है उसी पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक को बहुत ओवर एक्सेस नहीं लगाना है अदरवाइज ब्लेंडिंग करते टाइम वो बाहर फैल जाएगा उसके बाद मैंने ये फोर एवर का पैलेट लिया है इसमें से ये लाइट सा पर्पल शेड लिया है और इसको मैं अपने क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ इसको स्मोक आउट कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो को उसकी हेल्प से ताकि एक ट्रांजिशन शेड भी मिल जाए हमें और एक शेडो भी क्रिएट हो जाए सो so, फिर से मैं ब्लैक आई शेडो को लूँगी क्योंकि मुझे नीड लगी थी तो मैं फिर से ब्लैक आई शेडो लूँगी दूसरे ब्रश में और उसको लिड वाले एरिए मैं सेम जैसे गाड़ी का वाइपर चलता है एज़ इट इज़ आपको करना है आगे पीछे <coughs> और इस तरह से सर्कुलर मोशन में भी घुमाना है और फिर से मैंने सेम ब्रश लिया है जिसमें मैंने पर्पल आई शेडो को पिक किया था और उसको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं देन मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का बोल्ड लिप लाइनर लिया है इन दि शेड डार्क ब्राउन काफ़ी प्यारा शेड है ये और अगर आपको फुलर लिप्स चाहिए तो आप इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करना आपको लिप्स काफ़ी पाउटी और फुलर लगेंगे तो आपने एक डार्क कलर का लिप लाइनर लेना है और अच्छे से लिप्स की आउट कर लेनी है इस तरह से मैं क्यूपिड के पास शेप दे रही हूँ लिप्स को जो मेरा ऊपर वाला लिप्स है वो थोड़ा छोटा है कंपैरिजन टू लोअर लिप आ, सो मैं इस तरह से अच्छे से उसको आ, लिप पर अच्छे से ग्लाइड भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग भी है ये लिप लाइनर और सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ का आता है तो इसमें इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कोई बुराई है देन मैंने यहाँ कप्स एंड लैशेस का लिक्विड लिपस्टिक लिया है आ, शेड नंबर है सोशल बी न्यूट सा लिप शेड है ये इसको मैं अप्लाई करूँगी और जो लिप लाइनर हमने अप्लाई किया था उसके ऊपर भी हम इसको अप्लाई करेंगे आ, पहले क्या होता था साइड में वो लिप लाइनिंग दिखती है वो बहुत गंदी लगती है क्योंकि डार्क डार्क तो हम उसके साथ इसको स्मच करेंगे आपस में दोनों को ब्लेंड करेंगे ओके देन मैंने यहाँ पर लिया है फ्लैट आई ब्रश और लोअर लैश लाइन पर ब्लैक आई शेडो को लिया है और उसको मैं नीचे इस तरह से स्मच कर रही हूँ और कुछ नहीं करना है यहाँ पर मैं काजल भी अप्लाई करूँगी बट काजल वाला जो क्लिप था वो आ, उसमें पता नहीं क्या हो रहा है वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रही है सो काजल मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई कर चुकी हूँ देन मैंने उसको हल्का तो स्मोक आउट भी कर लिया था और अब मैं लैशेज अप्लाई करूँगी यहाँ पर मैंने दो लैशेज़ को साथ में जॉइन किया है एक प्रो आर्ट की है और एक है स्वीस ब्यूटी की उससे पहले मैं टीयर डक्स को और ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सिल्वर सा शेड लिया है और इससे मैं अपने टीयर डक्स को हाईलाइट कर रही हूँ और ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ पहले मैं ब्रश से लगाऊँगी देन आपको क्लीन फिंगर लेना है और उससे उसको ब्लेंड कर देना है ताकि आपस में दोनों मर्ज हो जाए तो इसी टेक्निक से आपने करना है और उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना प्यारा आ, लग थोड़ा रहा थोड़ा सा फिल्वर आई शेडो और लूँगी और ब्रो बोन के पास हाईलाइट करूँगी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था अगर आपका मेकअप जब पूरा मेकअप हो जाता है ना आप उसके बाद ज़रूर से टैली करना कि आपको किस चीज़ में क्या कमी लग रही है तो आप उसके बाद टचअप एक और बार दे सकते हो और यहाँ पर न्यूट सा शेड़, आई शेडो लिया है मैंने और इसको इनर आइज़ पर मैं अप्लाई करूँगी ताकि जो आइज़ है वो थोड़ा सा ओपन अप लगे और इस तरह से ना इनर साइड पे अगर आप न्यूट शेड लगाते हो ना तो आइज बहुत सुंदर लगती है जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो बहुत प्यारा लगता है उसमें नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पैक का ग्लू लिया है और जैसा कि मैंने बताया था कि जो लैशेज़ है उनको मैंने दो लैशेस को आपस में मैंने कंबाइन कर लिया है आपस में ताकि वो थोड़ी सी फुलर लगे आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप किसी ब्राइड को देना चाहते हो आपके पास कोई लैशेस लाइट लैशेस है तो आप दो लैशेस को आपस में आ, पेस्ट करके फिर आप क्लाइंट के ऊपर लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लैश ग्लू लगा लिया है थर्टी सेकेंड्स का वेट करने के बाद जब थोड़ा सा वो ड्राई होने लगता है बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना है बिल्कुल गीला भी नहीं छोड़ना है आपने जब वो आ, थोड़ा टैकी टैकी सा हो जाए तो आपने आई लैशेज़ को पेस्ट कर लेना है इस तरह से यहाँ पर आ, मैं एक ब्रश का जो बैक साइड होता है उसको यूज़ कर रही हूँ पेस्टिंग के लिए देन यहाँ पर मैंने मेबलिन का मशकारा लिया है फॉल्स लैशेज़ वाला इसको अच्छे से थोड़ा सा वॉम कर लेंगे दैन इसको लोअर लैश लाइन पर और अपर लैश लाइन पर लगा लेंगे ताकि जो फेक फॉल्सिस है वो भी आपस में मर्ज हो जाए नेचुरल लैशेस के साथ आ, तो मैं ना लैशेस के बाद लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मैं पहले लगाती थी आ, तो फॉल्सिस लगाने में न थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था बट अभी मैं फॉल्सिस पहले स्टिक करती हूँ देन में मस्कारा लगाती हूँ तो बहुत ईजी हो जाता है आ, तो अदर साइड पर भी हम मशकारा लगा लेंगे नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है मैक का मेकअप फिक्सर मेकअप को फ़िक्स कर लेंगे अगर आपका मशकारा वाटर प्रूफ नहीं है तो आप आइस को बचा के फिर आ, फिक्सर लगाना अदरवाइज़ आपका जो आई मेकअप है वो सारा स्पॉइल हो जाएगा और तो ये है मेरा ओवरऑल लुक आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सो so, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना इफ़ यू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइज